जय हिंद दोस्तों, बड़े को प्रणाम, छोटों को प्यार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सही होंगे। और मैं हूँ अभी वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट जो कि चारों तरफ से पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और साथ ही इस पहाड़ और जंगलों के बीच यहाँ पे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो मेरा आज का जो डेस्टिनेशन है वो इसी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक देउल घाटा, जो कि पुरुलिया टाउन से करीबन 30 किलोमीटर दूर, जयपुर से 5 किलोमीटर दूर, जो गौड़ जयपुर जो है वहाँ से बोरम नाम का एक जगह है गांव, उसके पास में कंसावती नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही बढ़िया जगह है और आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल वैल्यू तो है ही वहाँ का। तो चलिए बाकी बातें राइड के दौरान करते हैं, आप बने रहें मेरे साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो तुरंत सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं अभी चास मोड़ क्रॉस कर चुका हूँ और अभी यहाँ से करीबन और वो देउल घाटा 14 किलोमीटर है यहाँ से, तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। मुझे मैक्सिमम मैं 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर लग सकता है। और ये देखिए नज़ारा क्या है यहाँ का, बहुत ही सुंदर। और ये जो रेनी सीज़न है ना, रेनी सीज़न में आपको चारों तरफ ग्रीन नज़र आएगा, मतलब रेनी सीज़न में राइड करने का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। ये आ गया रेल गेट और इसके बाद ही कुछ देर में जयपुर घुसने वाले हैं। कुछ राजस्थान जयपुर नहीं है, ये लोकल जयपुर हमारे PS है एक वेस्ट बंगाल का, ये है जयपुर। मुझे इसी यहीं से आगे कहीं से लेफ्ट लेना है, मुझे जयपुर से लेना था लेफ्ट, लेकिन पता ही नहीं चला मुझे रास्ता और मैं लेफ़्ट नहीं ले पाया वहाँ से और आगे बढ़ चुका हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे अभी मोबाइल निकाल के गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा है और उन्हीं के सहारे अभी चल पड़ा हूँ मैं। देखिए लेकिन बढ़िया हुआ कि रास्ता भूल गया, वो रास्ते में जाते तो ये नज़ारा कहाँ मिलता, क्या नज़ारा है। देखिए कहावत है ना, अननोन रोड्स लीड्स टू ग्रेट डेस्टिनेशन, तो बस वही चीज़ है। देखिए क्या व्यू है भाई, गाय मारना मत। अरे यार हाँ, देखिए डिफिकल्ट गांव एकदम। अरे वाह, ये देखिए हवाई लड्डू बचपन में खाया करते थे, बहुत दिनों के बाद इस रास्ते पे आने से फिर से देख पाया। अभी तो इसका अपडेटेड वर्जन मिलता है मार्केट में। ये था रास्ता, यस, ये जो दिखा ना ये रास्ता था, मुझे इससे जाना था लेकिन मैं जयपुर से टर्न नहीं ले पाया था, बोल के मुझे उस तरफ आगे जाना पड़ा। अभी ये स्ट्रेट रास्ता, ये है कसाई नदी के ऊपर ब्रिज, बस पहुँच ही गए हम। और ये डेस्टिनेशन ऐसा है कि आपको पहले कुछ भी पता नहीं चलेगा, एकदम सामने जाने के बाद ही नज़र आएगा। देखिए अदरवाइज़ आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इसके बगल से निकल जाओगे। खुद को छिपा के रखता है ये डेस्टिनेशन। ये देखिए वाओ, देखिए पंछियों की आवाज़ सुनिए क्या मस्त। ये जगह देखिए कितना शांत, वाओ, सीढ़ियों का खिलखिलाहट। यहाँ पे अभी एक्चुअली दो मंदिर है, दो देउल इसको बोलते हैं एक का। पहले यहाँ पे टोटल 15 देउल था, लेकिन नेचुरल फिनोमेना बोले, नेचुरल बारिश इरोजन इसके कारण से 12 तो पहले ही टूट चुके थे। उसके बाद तीन था, तीन में भी लास्ट 2001 या 2002 में एक मेन मेड एक्सीडेंट के कारण से वो एक और जो था वो भी टूट चुका है, उसका सिर्फ अभी डेब्रिस बचा हुआ है। साथ ही उस पर नया मंदिर बनाने का काम भी चल रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरत है ये मंदिर, उस ज़माने में करीबन ये 9वीं-10वीं शताब्दी में बनाया हुआ है। और कहते हैं कि जो पाल और सेन राजाओं का जब राज था उसी टाइम पे ये सब बनाया गया है, कितना खूबसूरत है। और इस पे जो है ना एज की मार आपको पता चल रहा होगा कि कितना पुराना है, इसको स्ट्रक्चर को देख के ही लग रहा होगा।
देखिए क्या खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत, अद्भुत, अपने आप में अद्भुत। देखिए वाव, और ये एकदम चारों तरफ से जंगलों के बीच चारों तरफ से घिरा हुआ, बाहर से आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा इस जगह के बारे में। बगल में ही धान का खेत भी है, तो ऑसम, बहुत ही बढ़िया एहसास है यहाँ का। और इसके बगल में ही आप कसाई नदी भी जा रहा है। इस मंदिर का स्टाको डेकोरेशन बहुत ही खूब, कितना बढ़िया आर्किटेक्चर का नज़ारा है, क्या क्राफ्टमैनशिप था सोचिए। अभी यहाँ पे एक छोटा आश्रम या मंदिर टाइप बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोग भी रहते हैं, देखिए। और ये है वो रास्ता जो कि कसाई नदी जाता है, देखिए यहाँ से सीढ़ियों से उतरते हुए का, बहुत ही वाव, क्या व्यू है अपना, ये देखिए। और वो जो दिख रहा है ना सामने आपको, स्ट्रेट मेरे सामने देखिए, वो है ब्रिज जिसके ऊपर, उसी के ऊपर से आए थे हम लोग। देखिए नज़ारा क्या है यहाँ से। तो ये जगह हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, चारों तरफ से एकदम रिच है। और आप आ सकते हैं यहाँ पे, घूम सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी और जानना हो इस जगह के बारे में तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।